ये है देश की सबसे बड़े वॉच सर्वर इसरो, जिसके माध्यम से हम लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और हम लोग चंद्रमा से बस कुछ ही कदम की दूरी पे हैं। और ये मेरा लैंडर बेहद करीब पहुंचता हुआ, बिल्कुल आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रो में जाता हुआ और काफी चंद्रमा से काफी करीब, स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के और दो एक ऐतिहासिक पल का लम्हा की गणना करेंगे, जो पूरे देश को आज और अभी से कुछ ही मिनटों में गौरवान्वित करेगा। चंद्रयान 3 और बेहद करीब चंद्रमा से आज चंद्रयान 3 एक इतिहास रचेगा। और ये सभी इसरो के वैज्ञानिक लाइव तस्वीर, सभी लोग एक नजर गड़ाए हुए हैं वो आखिरी पल का इंतजार, जब चंद्रमा से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 और ये आखिरी चार राउंड देख रहे हैं का पहला स्टेप डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसएन 30 चारों इंजन को द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टार्ट किया गया। अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, सभी इंजन स्टार्ट कर दिए गए। लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर लैंडर में लगे चारों इंजन पूरी तरह से पूरा होने में लगभग 3 मिनट अपना काम कर रहे हैं और इस चरण के पूरा होते ही स्पीड को लैंडर की वेलोसिटी नियंत्रित कर रहे हैं, लगभग शून्य हो जाएगी, वेलोसिटी लगातार गिरता हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तय समय के हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो आखिरी पल, आखिरी लम्हा, जिसे देखने के लिए आज पूरे देश और ये सभी इसरो के वैज्ञानिक सभी की सांसें अटकी हुई है। इस दौरान एक आवाज ने 50 मीटर की ऊंचाई को, हजारों लोग करने के बाद बैठे हैं, 131 हजारों लोग देख रहे हैं, पड़ाव पे आने के बाद काम कर रहे हैं। लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा और एक आवाज ने सभी की सांसें अटकी हुई हैं। आज मेरा देश इतिहास रचने की बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 में कुछ हलचल और वेलोसिटी को और कम किया गया, वेलोसिटी लगातार घटता हुआ, अपनी स्पीड को लगातार कम करते हुए चंद्रयान 3 का लैंडर, और लैंडर पूरी तरह दुरुस्त ठीक ठाक जैसा बनाया गया था, ठीक वैसा ही चंद्रमा की धरती के पास बेहद करीब पहुंचकर उसी हिसाब से अपना काम करता हुआ, और आज एक इतिहास रचने के बेहद करीब और लगातार ये लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और ठीक चंद्रमा और ठीक ऊपर में मेरा चंद्रयान 3 लैंडर लाइव तस्वीरें, और वातावरण भी बिल्कुल किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज ठीक ठाक, आप देख सकते कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अपनी यात्रा 20% और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अभी
ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर और माननीय प्रधानमंत्री जी दक्षिण अफ्रीका से ही लाइव तस्वीरें पिछले 45 मिनट से देख रहे हैं। सभी इसरो के वैज्ञानिक सभी को ये खुशी का इंतजार और चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है, बेहद करीब। अभी कुछ समय पहले इसकी दूरी 27 किलोमीटर थी, बस कुछ ही मिनटों के बाद इसकी दूरी 18 किलोमीटर रह गई और बेहद करीब पहुंचती हुई। आप बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, आप ये देख सकते हैं लैंडिंग सफल होने का इंतजार इसरो को मिशंस ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे आगे चलते हुए बढ़ रहा है। सभी वैज्ञानिकों का ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर थमती हुई में चल चुका है और ठीक नीचे चंद्रमा की धरती और चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 ने इतिहास रचने के बहुत करीब पहुंचता हुआ लैंडर मॉड्यूल के हिसाब से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस मिशन में सेकंड और थर्ड ऑर्डर जगह तलाशना का प्रयोग हुआ है शुरू कर दिया थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा और सभी की सांसें अटकी हुई। बड़े बड़े दिग्गज देश के वैज्ञानिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में हजारों वैज्ञानिक लगातार वेलोसिटी 1237 31 28 24 18 लगातार कम होता हुआ वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल चंद्रमा के लेवल पे चलना ठीक चंद्रमा के ऊपर से नहीं चंद्रमा के बगल से सतह के बराबर चल रही है चंद्रयान 3 और लगातार जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत स्पीड को 1680 मीटर पर सेकंड थी नियंत्रित करने के लिए चारों इंजन का इस्तेमाल कर दिया गया है एक बहुत ही और सभी इंजन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं भारत ही नहीं अपने स्क्रीन पे देख सकते पूरी हैं कि दुनिया के लिए बेहद अहम धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें पृथ्वी के इकलौते तो प्राकृतिक उपग्रह किलोमीटर के चंद्रमा के बारे में आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं हमें इस मिशन से बेशकीमती जानकारी भी मिलेगी। कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं और भी बहुत करीब और लगातार अपना स्पीड को नियंत्रित करता हुआ आप देख सकते हैं नीचे चंद्रमा की धरती हाई सेंसर कैमरे लगे हुए हैं। हाई सेंसर जी हाँ करीब करीब कैमरे के साथ साथ आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ रुख करता हुआ धीरे धीरे चंद्रयान 3 और सभी की सांसें थमी हुई। आज पूरा देश झूम उठने को तैयार बस कुछ ही पलों का है इंतजार। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप
चंद्रमा पे चंद्रयान 3 कैसे कदम रखता है, लैंडर क्या क्या करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चंद्रमा पे कम करते हुए कदम रखते ही अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर जगह तलाशने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, लेकिन अभी भी 24 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोड में चंद्रयान चल रही है, देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। 24वें किलोमीटर के लास्ट अंत में ठीक वर्टिकल का रूप लेगी और द अल्टीट्यूड ऑफ लैंडर फ्रॉम ग्राउंड इज करेंटली 12 किलोमीटर, वेलोसिटी अपनी रफ्तार व्हिच इज अगेन गोइंग 808642 लगातार कम होती हुई, चारों इंजन सेंसर्स सभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं एंड वी आर इन द रफ ब्रेकिंग फेज व्हिच इज द फर्स्ट फेज ऑफ द पावर डिसेंट। देश के डाउन रेंज ऑफ 697 किलोमीटर। जी हां, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग सभी की सांसें 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई है, थमती हुई हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। कुछ भी कहना एट द सेम टाइम वी कैन सी द मुमकिन नहीं, द लैंडर इज जस्ट 17.8 किलोमीटर, सब कुछ तय समय अनुसार व्हिच इज गोइंग टू बी अराउंड 7 चल रहा है एट द एंड ऑफ, और ये देख सकते हैं डिस्प्ले में जो चांद के बेहद करीब मेरा चंद्रयान 3 और लगातार रफ ब्रेकिंग का दौर जारी है, इसके बाद वर्टिकल के लिए फायर बूस्टिंग किया जाएगा और बेहद करीब पहुंचता हुआ मूविंग टुवर्ड्स तस्वीरें the current altitude रुक रुक कर आती है वहां से, क्योंकि सेंसर्स के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। जी हाँ, और इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रॉटल वाले एलन भी अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं, काफी इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल है जो लगातार हमें तस्वीरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मदद करता है। 75-80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। जितने भी लाइव देश प्रेमी देख रहे हैं उन सभी में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी दक्षिण अफ्रीका में हैं और वहीं से बैठकर पिछले तकरीबन एक घंटे से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि आज हम सबों और पूरे देशवासियों पर ऊपर वाले की दुआ हो और सेकेंड राउंड शुरू। करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से टोटल 4 राउंड हैं किलोमीटर के आसपास है और ये दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ। अभी थोड़ा देर पहले आते हैं, थोड़ा देर पहले 5-2 मिनट पहले सभी की सांसें अटकी हुई हैं, हम सभी का उत्साहवर्धन करने के, लेकिन फिर भी इसरो के हमारे वैज्ञानिक दावा करने में जरा भी पीछे नहीं हट रहे हैं, जरा भी नहीं हिचकिचा रहे हैं, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है और ये साफ साफ बताते भी आए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि हमें घबराने की कोई बात नहीं। जी हाँ, हमारा चंद्रयान 3 बहुत ही हमसे हम सबों से काफी ज्यादा समझदार है, शुरुआत हो चुकी है, अभी हम ये देख सकते हैं कि इस बार हम सबों को निराश नहीं करेगा, किलोमीटर है ये दावा करते भी आ रहे हैं और अभी भी 800 मीटर हो जाएगी।
दावा कर रहे हैं। We can hear from the which is going to continue for 3 minutes. Operations complex. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters. मैं बैठे सभी वैज्ञानिकों की नजर। जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया। और ये कि लगभग हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का रूप लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगा। और ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का रूप लेता हुआ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी बेहद करीब डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। इतिहास रचने के बेहद करीब सभी इंजन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं वर्टिकल। अब देख सकते हैं वेलोसिटी 215-13 अपनी रफ्तार को लगातार कम करते हुए। हमारे इसरो के वैज्ञानिक लगातार कहते भी आए हैं और कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं पूरे देशवासियों को, सांत्वना दे रहे हैं कि आप निश्चित रहें, मेरा चंद्रयान 3 कहीं भी किसी भी क्षेत्र से कमजोर नहीं है, काफी चुस्त दुरुस्त है, उसमें सोचने की, देखने की, परखने की क्षमता जो मैंने दिया है आज वो चंद्रयान। और ये लगातार अपनी रफ्तार को नियंत्रित, अभी आप देख सकते हैं कि और ये ऊंचाई लगभग लगभग तीसरा फेज किलोमीटर के आसपास है स्टार्ट हुआ। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण अफ्रीका में हैं और वहीं से बैठे बैठे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 को इतना मजबूत और इतना शालीन तरीके से बनाया गया है कि वो जैसा भी न वहाँ पे वातावरण हो, मेरा चंद्रयान लैंड करेगा तो करेगा। अब ये धीरे धीरे वर्टिकल का रूप लेता हुआ ठीक नीचे चंद्रमा की सतह, और यहाँ से तीसरा फेज स्टार्ट। यहाँ से तीसरा फेज स्टार्ट। सभी के चेहरे पे खुशी। और ठीक 10 से 12 सेकंड के बाद आखिरी राउंड का इंतजार। और ये 10 से 12 सेकंड होने को हैं और ये आखिरी राउंड के लिए कमांड शुरू कर दी गई है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या और जगह पूरी तरह से तलाश चुका है मेरा चंद्रयान 3 और चंद्रमा से महज कुछ ही मीटर की ऊंचाई पे है, किलोमीटर नहीं बल्कि कुछ ही मीटर की ऊंचाई पे है, बेहद करीब जैसे हम लोग घर से अपने छतों पे चढ़ते हैं ठीक उसी तरह चंद्रमा से कुछ ही मीटर की ऊंचाई पे चंद्रयान 3 और पास आता हुआ जगह तलाशने में कामयाब हुआ और चंद्रयान 3 जगह पूरी तरह से तलाश चुका है और अब उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है ये देख सकते हैं। और बस कुछ सेकेंड का इंतजार और ये आखिरी फल जो आप देख रहे हैं, ये आखिरी फल ठीक आखिरी फल कैसे लैंड कर रहा है चंद्रयान 3 ठीक नीचे चंद्रमा और उसकी सतह के ऊपर ठीक 10 से 15 फीट की ऊंचाई पे और बहुत पास आता हुआ 6 फीट और ये आखिरी 4 फीट 2 फीट और आखिरी 1 फीट ये लास्ट स्टेप है। और ये मेरा चंद्रयान 3 थोड़ा सा अपना जगह चेंज करता हुआ, अपना रोटेशन को सही करता हुआ
अपने को बैलेंस करता हुआ। आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है, बिल्कुल अपने जगह पे लगभग रुका हुआ है और फिर एक बार अपना बैलेंस बनाता हुआ, बिल्कुल चंद्रमा से महज एक फीट की ऊंचाई पे है, चंद्रमा से महज एक फीट की ऊंचाई पे अपना रोटेशन को बिल्कुल सही करता हुआ। शायद वो जगह इसे प्रॉपर नहीं लगा, थोड़ा सा जगह चेंज किया है, 65 मीटर के आसपास बची हुई है और सभी की सांसें अटकी हुई। लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे खुशी, महज एक फीट की ऊंचाई पे चंद्रयान 3 थोड़ा सा अपना जगह परिवर्तन करता हुआ और ये देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर, और ये चंद्रमा पे देख सकते हैं और ये लैंड कर गया और ये लैंड कर गया। पूरे ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में तालियों की गड़गड़ाहट। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के। थैंक यू सो मच माय इंडियन इसरो चंद्रयान 3।